नमस्कार, मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया। रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। डोंगरडीह गांव निवासी महावीर सिंह मुंडा का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। तमाड़ थाना क्षेत्र के मनागोड़ा स्थित पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। 16 जुलाई को चार अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर खेत में काम कर रहे महावीर सिंह मुंडा को उठाकर ले गए थे। इस दौरान खेत में धान रोपनी का कार्य कर रहे महावीर के परिजनों ने विरोध किया था, लेकिन युवकों ने नहीं माना। इसके बाद पुलिस महावीर मुंडा की तलाश में जुट गई थी, लेकिन इधर 17 जुलाई को पता चला कि महावीर मुंडा का शव मनागोड़ा गांव के समीप पड़ा हुआ है। हत्या की जिम्मेदारी माओवादियों ने पोस्टर छोड़कर ली है। इन लोगों ने बताया था पिस्टल के बल पर उनको जबरदस्ती ले जाया गया था जंगल तक। टीम हम लोग की निकली हुई थी सर्च में, रात भर हम लोगों ने खोजा, तहकीकात के लिए पता नहीं चला, चूंकि काफी घना जंगल है इधर। सुबह में भी हम लोग सर्च कर ही रहे थे कि जबकि मालूम हुआ, सूचना आई कि मनागोड़ा गांव के पास में एक पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे उनका किसी अज्ञात व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ। आशंका थी कि हो न हो कुछ अनहोनी मत हो जाए, वही अल्लाह की भी वही मर्जी थी। और मैंने देखा कि यहाँ उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक पर्चा भी सटा हुआ था, छोड़ा गया था, उसमें सीपीआई माओइस्ट के सदस्यों के द्वारा इसका जिम्मा लिया गया है। हमको तो ऐसा लगता है कि ये एक सीधा साधा ग्रामीण आदमी है, इनकी कोई शिकायत नहीं रही होगी किसी से, पुलिस से भी काफ़ी दूर दूर है, पुलिस भी इनको नहीं जानती। लेकिन आरोप यही था कि पुलिस का मुखबिरी करने के कारण इनका मौत का ये फैसला दिया गया, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं। हम लोग देख रहे हैं, चूँकि अब बदलाव का समय आया है, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग इल्तजा है लोगों से कि भाई इसी समाज के सारे लोग हैं, हम लोग अब घर पे लौटना चाहिए। अब हम लोग घर लौट चले वाली बात है, उसकी चरितार्थ होनी चाहिए। चाहे इधर से कोई भी हमारे वही झारखंडी, चाहे मारने वाला भी झारखंडी हो, चाहे मारने वाला भी, सब तो वही। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चल रही है, जिन विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है, सर्वांगीण विकास सरकार चाह रही है, कर भी रही। मुझे हम चुके आने के बाद मुझे काफ़ी खुशी यहाँ इसलिए हुई कि जब मैं यहाँ 7 साल पहले यहाँ जब डीएसपी के पद पर था, तो यहाँ हम लोग पैदल चल के आते थे, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। शुक्रिया है कि चूंकि हमारी गाड़ी या बहुत सारी जो भी अब गाड़ियाँ आ रही है मनागोड़ा से और आगे तक ले रोड बन चुका है। यही सही विकास है जो देखने को मिला है। और भी इस तरह के विकास सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली आ गया, ये रोड आ गया, पीने का पानी है, अब इससे बेहतर क्या चाहिए। 7-8 साल तो हुआ है, 7-8 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। सर, जिस तरह लगातार नक्सली घटना को अंजाम दे रहे, जिम्मेवारी ले रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी पुलिस? ये निश्चित चुनौती तो है ही, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि नहीं, निर्दोष लोग को मारने से कोई फायदा नहीं है। ग्रामीण क्यों पुलिस को खबर दे? पुलिस को सूचना पाने के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी सब आ गया है, जो स्वतः जो खबर मिल रहा है कि कौन आदमी कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। ग्रामीण भी कोरोना की वजह से कहाँ कोई ग्रामीण या कहीं कोई कहीं जा रहा है, जाना आना तो बाधित है, तो क्यों कहीं जाएगा, तभी ना किसी को खबर कोई देगा, या उसको खबर मिलेगा तब फोन पे देगा, ऐसा तो।